हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। अगर आप इसको परिपाटी मान लेते कि भाई संवैधानिक प्रमुख का हमें सम्मान करना है तो ये बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन अगर वह नहीं होता तो कम से कम महिला के नाते तो सम्मान कर लेते, कभी नहीं किया। एक नई परिपाटी बन गई है। और महोदय, मैं तो आपसे भी इस बात की अनुरोध करूंगा, इस बात की अपील करूंगा कि कभी हमारी इस विधायिका को लोग ऐसा ना मान ले कि ये कोई ड्रामा कंपनी है, कोई लाल टोपी, कोई नीली टोपी, कोई पीली टोपी, कोई हरा टोपी पहन करके आकर के एक नई परिपाटी शुरू हो गई है। ऐसा तो कभी नहीं होता, ड्रामा पार्टी में हम लोग देखते थे, लेकिन यहां पे एक नई परिपाटी शुरू हो जाती है। पता नहीं ये लोग घर में पहनते हैं कि नहीं पहनते हैं। एक बार एक घटना हुई और मैं सही बता रहा हूं, नेता प्रतिपक्ष जी, मैं आपको बता रहा हूं, आप भी सुनते होंगे। मैं एक कार्यक्रम में गया था, आप जानते हो कि मैं फील्ड में कहीं जाता हूं तो कुछ चीजें कार्यक्रम का हिस्सा होती हैं। जैसे बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल तो नहीं खुले, तो मैं अक्सर जाता हूं तो बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल में जाऊं, क्योंकि बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल में गरीब का बच्चा, किसान का बच्चा, मजदूर का बच्चा, अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति का बच्चा पढ़ता है। और इसीलिए हम लोगों ने ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत लगभग 93,000 से अधिक विद्यालयों को ऑपरेशन कायाकल्प से उसकी आमूलचूल परिवर्तन और बुनियादी सुविधाओं में चर्चा की। मेरा अकेले योगदान नहीं, इस पूरे सदन के हर सदस्य का उसमें योगदान है, हर प्रशासनिक और शिक्षा विभाग के अधिकारियों का उसमें योगदान है। कुछ लोगों ने विद्यालय अडॉप्ट किए, कुछ लोगों ने अन्य तरीके से वहां पर उसमें योगदान किया और उसके बाद ये सब परिवर्तन हुआ, बच्चों की संख्या बढ़ी। मैं जाता हूं, अक्सर जाता हूं, उसी में आंगनबाड़ी में भी जाते हैं, उसी में कुछ लोग अन्न प्राशन का भी कार्यक्रम रख लेते हैं। तो मैं एक कार्यक्रम में गया था तो अन्न प्राशन के लिए छोटा सा 6 महीने का बच्चा था, उसको अन्न प्राशन के लिए मैंने उठाया। तब तक जिस महिला का वो बच्चा था उसके साथ एक लगभग 2.5-3 साल का एक बच्चा और था। अच्छा, मैं इधर उसको अन्नप्राशन करा रहा था, तब तक वहां पे एक पार्टी के कुछ लोग विरोध करने के लिए आ गए, उन्होंने टोपी पहनी हुई थी। वो बच्चा 2.5 साल का बच्चा क्या कहता है, मम्मी मम्मी देखो वो गुंडा गुंडा। अब आप देखिए कि एक 2-2.5 साल का बच्चा के मन में टोपी पहन करके आने वाले व्यक्ति के बारे में क्या धारणा है। वो अपनी मां से चिपक करके कहता है कि मम्मी मम्मी देखो गुंडा गुंडा। यानी ये धारणा सामान्य रूप से बन चुकी है। और इसीलिए मैं अपील करूंगा नेता प्रतिपक्ष, आप पगड़ी पहन करके आते तो अच्छा लगता, गांव का साफा पहन करके आते तो मैं उसका अभिनंदन करता। लेकिन कम से कम आप तो वास्तव में उस यथार्थवादी परंपरा के बहुत सशक्त हस्ताक्षर रहे हैं जिसने समाजवादी आंदोलन को ईमानदारी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया था। स्वर्गीय चंद्रशेखर जी ने उस अभियान को बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने के लिए का प्रयास किया था। बलिया की धरती उसके लिए जानी जाती है। और आपको कम से कम इसको परहेज करना चाहिए इस प्रकार की चीजों से। बाकी अन्य लोग क्या कर रहे हैं उनकी सोच है, और इस उम्र में ये सब शोभा नहीं देता है। लेकिन अध्यक्ष जी, यहां पर हम लोगों ने राज्यपाल जी के भाषण को यहां पर फिर भी कोविड के प्रबंधन के दौरान उसके प्रोटोकॉल का पालन करते हुए 48 सदस्यों ने इसमें भागीदार बनकर के इस चर्चा को आगे बढ़ाया है। और माननीय राज्यपाल जी के प्रति धन्यवाद कि इस प्रस्ताव का समर्थन किया है या अपने तरीके से